जैसे दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे समता सैनिक दल की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है और वे लोग सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे बाबू हरदास सलेन इनकी समाधि है और वहाँ पे ये सभी लोग अभिवादन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इनके हाथों में तलवार और बहुत ही सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन फॉर्म में ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एकदम सिस्टमेटिक वे में हाथों में स्वॉर्ड्स वगैरह लेकर ये सभी लोग जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे बाबू हरदास सलेन इनकी समाधि है। सो चलिए चलते हैं और करते हैं अभिवादन बाबू हरदास सलेन जी को। नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। दोस्तों जय भीम के जनक मतलब बाबू हरदास सलेन जिन्होंने जय भीम का नारा दिया था उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर के कन्हान इस जगह पे बहुत बड़ा मेला लगता है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे में देख सकते हो समता सैनिक दल की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे न जाने कितने तो भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सो चलिए चलते हैं और करते हैं बाबू हरदास सलेन जी की स्मृति को अभिवादन। सो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्लॉग है और ऐसे ब्लॉग्स हमें शायद ही देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो हम लोग वैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस जगह के उधर जहाँ पे बाबू हरदास सलेन जी की समाधि है और समता सैनिक दल की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके बाद समता सैनिक दल का बैंड यहाँ पे बज रहा है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। इसके बाद मार्शल्स यहाँ पे समता सैनिक दल की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। बहुत ही अद्भुत यहाँ पे समता सैनिक दल का कैंप भी लग चुका है जिस तरह से आप लोग देख सकते हो। और भंते जी के नेतृत्व में पूरी रैली निकल चुकी है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें भीमा कोरे का विजय स्तंभ भी देखने को मिला। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे पूरे विदर्भ से लोग यहाँ पे आते हैं बाबू हरदास सलेन जी को अभिवादन करने के लिए और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। इस बार 84th मेला यहाँ पे लग चुका है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आ चुके हैं। और दोस्तों खास बात तो यह है कि आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे करतब कर रहे हैं और ना कि मकर संक्रांति का ये त्यौहार मना रहे हैं। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जय भीम का नारा हम लोग जो बड़े ही शान से और बड़े ही गर्व से लेते हैं वो जनक बाबू हरदास सलेन जी की स्मृति को अभिवादन करने के लिए आज यहाँ पे इतने ज़्यादा तादाद में लोग आ चुके हैं। बाबू हरदास सलेन जी विशेष के जो पंडित कायदे होते विशेष के ला नष्ट करना चाह संकल्प के ला होता आणि आज कनान नदी चा तीरावे 1939 साली बाजनेरला बाबू चा निधन झाले ही गंगाबाई पंडाची जाना बाबू हरदासांच्या समाधी साठी त्या काळात प्राप्त झाले। छान पहिले हमारे सिर्फ 500 क्या बात हो गए बुद्ध कबीर फिर हम बैठ कर विचार था बंदोस तुम्हारा नारा चिराई हो बाबू हरदास तुम्हारा बलिदान देवी प्रवत बाबू हरदास सलेन देवी प्रवत बाबू हरदास सलेन देवी प्रवत बाबू हरदास सलेन जय भीम जय भीम जय भीम जय भारत
दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी देखा कि समता सैनिक दल द्वारा मानवंदना दी गई और भावपूर्ण आदरांजलि बाबू हरदास एलन जी को यहाँ पे दी गई, तो ये एक अद्भुत नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी चलिए देखते हैं, इस तरह पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और वहाँ पे तलवारबाजी के करतब भी चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। छोटे बच्चों का अखाड़ा भी देख लिया, प्रात्यक्षिक भी देख लिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे में वो नदी के पास मेला लगा हुआ है, तो हम उसे भी कवर करेंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे इस वक्त आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा मेला मैंने पहली बार देखा। बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये मेला लग चुका है यहाँ पर और पूरे विदर्भ से यहाँ पर लोग आ चुके हैं, सो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे लोग आ चुके हैं। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और फिर भी यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर तो बड़े बुज़ुर्ग तक सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही शानदार मेला यहाँ पे लग चुका है। बगल में ही कनान नदी है जो कि बहुत ही प्यारा नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ साइड में आप लोग देख सकते हो कि ये रेलवे गुजरती है यहाँ से, और ये कनान नदी के तट पे ये भव्य मेला यहाँ पे लग चुका है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे गरम गरम भजे, छोटे बच्चे, यहाँ पे मेले वगैरह लग चुके हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा मुझे यहाँ पे देखने को मिला। दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई जगह पे किसी नए एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में किसी नई जगह पे।